that. Good morning, students. In our last lecture, we have finished the topic of internal control. और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द ईडीपी ऑडिट. बट बिफोर स्टार्टिंग द ईडीपी ऑडिट लेट्स हैव ए लुक ओवर द लास्ट चैप्टर जो हमने कवर अप किया था. दैट इज अबाउट द इंटरनल कंट्रोल एंड द वेरियस टेक्निक्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल. इन दिस चैप्टर द एस्पेक्ट दैट वी हैव कवर्ड इज what is the meaning of the term internal control. कि internal control का meaning क्या है, internal control की policies को formulate करने की responsibility किसकी है, and what is the duty of the auditor as far as internal control is concerned. Like यदि हम internal control की बात करें दो point of view से. First point of view is the management and second point of view that is auditor. Management ke point of view se baat karein, internal control ki policy ko formulate karna, इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज को रिव्यू करना इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसीज से रिलेटेड ड्रॉबैक्स को इंप्रूव करना. दीज आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द मैनेजमेंट. ये सब मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज के अंदर आता है. एज एन ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल के रेफरेंस में ऑडिटर की ड्यूटीज क्या आती हैं? ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल सो एज टू इवेल्युएट. उसका पर्पस क्या है इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने का? टू इवेल्युएट द इफेक्टिवनेस. कि क्या इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव कंट्रोल है या नहीं है. इन केस इंटरनल कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन में इफेक्टिव है तो ये किस चीज में हमें हेल्प करता है? इन डिटरमाइनिंग द नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स. और यदि हम सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर्स को लें व्हाट इज मेंट बाय दिस टर्म. सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर मींस वाउचिंग वेरिफिकेशन and the analytical reviews. So based upon this ki management ne internal control ki policies ko formulate kiya aur auditor ne un policies ko review kar kiya so as to evaluate the effectiveness based upon which the auditor determines the nature timing and extent of his substantive audit procedures like vouching वेरिफिकेशन एंड द एनालिटिकल रिव्यूज. सारी की सारी वर्किंग ऑडिटर की बेस्ड अपॉन द इवेल्युएशन ऑफ इंटरनल कंट्रोल है. ठीक. सिंपल टेक एन एग्जाम्पल. यदि ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग होते ही ऑडिटर की एक्सटेंट ऑफ वर्किंग रिड्यूस हो जाती है. सेम वे यदि इंटरनल कंट्रोल
वीक है देन वर्किंग बढ़ जाती है। एक सिंपल सा एग्जांपल आप ऑब्जर्व करो कि यदि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, एग्जामिनेशन हॉल के अंदर जो एग्जामिनर है यदि वो लिबरल है, दैट मीन्स स्टूडेंट्स की चीटिंग बढ़ जाती है। जैसे ही एग्जामिनर थोड़ा स्ट्रिक्ट हो गया, स्टूडेंट की चीटिंग कम हो जाती है। तो सेम वे कि यदि मैनेजमेंट ने स्ट्रिक्ट कंट्रोल किया तो ऑडिटर ये मानकर चल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल ऑफ पॉलिसीज अच्छी चल रही है, फ्रॉड के चांसेस, एरर के चांसेस कंपैरेटिवली कम है, तो वो अपने सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स की एक्सटेंट को कम कर देता है। बट यदि इंटरनल कंट्रोल वीक है, इन दैट केस वो एक्सटेंट को बढ़ा देता है। सो एक तो ये चीज है कि इंटरनल कंट्रोल में मैनेजमेंट का रोल क्या है, एंड सेकेंड वन ऑडिटर का रोल क्या है। आफ्टर दिस द नेक्स्ट इज हाउ द मैनेजमेंट एक्सरसाइज इंटरनल कंट्रोल, हाउ इंटरनल कंट्रोल इज एक्सरसाइज। मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल कैसे एक्सरसाइज करती है एंड हाउ द ऑडिटर रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल। अब हम इन दो क्वेश्चंस पर आते हैं कि मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को कैसे एक्सरसाइज करती है और ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कैसे रिव्यू करता है। इंटरनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए एज फार एज इंटरनल कंट्रोल इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस इज कंसर्न, मैनेजमेंट आइदर इंटरनल चेक की पॉलिसी लेती है या इंटरनल ऑडिट की या दोनों की। बट मेंट बाय दिस टर्म इंटरनल चेक दैट वी हैव कवर्ड कि चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ वन पर्सन बाय अनदर पर्सन ऑन रेगुलर बेसिस कि एक पर्सन का काम चेक किया है दूसरे पर्सन ने ऑन एन रेगुलर बेसिस। व्हाट मेंट बाय द टर्म इंटरनल ऑडिट, चेकिंग ऑफ वर्क ऑफ ऑल पर्सन्स बाय वन स्पेशलाइज्ड पर्सन नोन एज इंटरनल ऑडिटर। जिसका फंक्शन ही सभी पर्सन्स के वर्किंग को चेक आउट करना था। इंटरनल चेक में इन पर्सन्स का वर्क एक दूसरे के काम की चेकिंग मेन नहीं था, रादर इनके अपने मेन काम के एडिशन में इंटरनल कंट्रोल की टेक्निक आई इंटरनल चेक। जो इनका अपना पर्सनल काम था, लाइक एक पर्सन की ड्यूटी थी सब्सिडियरी बुक को बनाना, सेकंड पर्सन की ड्यूटी थी लेजर को बनाना। सो दोनों पर्सन्स ने आपस में एक दूसरे के काम को चेक किया, दैट इज द इंटरनल चेक। लेकिन दोनों के काम को किसी थर्ड पर्सन ने चेक किया, दैट इज टर्म्ड एज द इंटरनल ऑडिट। तो मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल को एक्सरसाइज करने के लिए आइदर कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटरनल चेक और कैन यूज द टेक्निक ऑफ इंटरनल ऑडिट। फिर बात आती है हाउ द ऑडिटर रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल। ऑडिटर इंटरनल कंट्रोल को कैसे रिव्यू करेगा, थ्रू व्हाट। इंटरनल कंट्रोल को रिव्यू करने के लिए ऑडिटर रिक्वायर सम इंफॉर्मेशन और वो इंफॉर्मेशन ऑडिटर कलेक्ट कर सकता है थ्रू द नरेटिव रिकॉर्ड्स, थ्रू द फ्लो चार्ट्स,
through the internal control questionnaires and through the checklists. What is the meaning of the term narrative records? Narrative records, they are the descriptive records within the organizations. वो रिकॉर्ड जो कंपनी की वर्किंग की डिटेल्स प्रोवाइड कर रहे हैं, दे आर टर्म्ड एज द नरेटिव रिकॉर्ड्स. ठीक, लाइक कंपनी के पॉलिसी मैनुअल्स, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी टू सम एक्सटेंट हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकता है. रीजन बीइंग, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी की रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखी जाती हैं, एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस टू सम एक्सटेंट हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द इंटरनल कंट्रोल. सो नरेटिव रिकॉर्ड्स आर द रिकॉर्ड्स विच गिव्स ए डिस्क्रिप्शन अबाउट द पॉलिसीज ऑफ द कंपनीज, अबाउट द प्रोसीजर्स ऑफ द कंपनी. सेकेंड वन इज द फ्लो चार्ट. द टर्म फ्लो चार्ट can be defined as an pictorial representation of step by step activity. So in this case, ki step by step activities jo pictorial representations ke through hum show kar rahe hain, that is termed as the flow chart. Now one question is there from the Gurgaon Center, कि क्या हम memorandum of association को narrative records में cover up कर सकते हैं? Memorandum of association के अंदर यदि हम consider करें तो 5 clauses are there. Number 1, name clause. Number 2, capital clause. Number 3, liability clause. Number 4, situation clause. Number 5, object clause. अब in this case, कि ये 5 चीजें main आती हैं, इसमें कहां पर हम internal control के aspect को ले सकते हैं? यदि हम बात करें name से, ऑर्गेनाइजेशन का नेम हमें किस तरह से हेल्प करेगा इंटरनल कंट्रोल की इवैल्यूएशन में? नो वेयर. कंपनी की कैपिटल, नो. कंपनी की लायबिलिटी, नो. कंपनी का सिचुएशन क्लॉज, नो. कंपनी के ऑब्जेक्ट्स, जनरली नॉट. सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यदि हम एक मेजर बात करें तो वो नरेटिव रिकॉर्ड नहीं बनेगा एज फार एज इंटरनल कंट्रोल को इवेल्युएट करना है तो. बट इन केस यदि हम उसे एज ए पार्ट ऑफ परमानेंट ऑडिट फाइल किसी और चीज के रेफरेंस के लिए यूज करना चाहते हैं, रेफरेंस रिगार्डिंग ऑब्जेक्ट, रेफरेंस रिगार्डिंग कैपिटल, रेफरेंस रिगार्डिंग द लायबिलिटी, देन इट इज ए गुड वन रिकॉर्ड. यदि हमें शेयर कैपिटल की वाउचिंग करनी है, यस, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हेल्प अस. इन केस हमें कॉस्ट की चेकिंग करनी है, किस तरह से अमाउंट आएगा, वो बेसिकली आर्टिकल्स में होता है. लायबिलिटी क्लॉज के अंदर तो सिर्फ फेस वैल्यू आ जाती है कि इतने अमाउंट का शेयर है. सो इन दिस केस यदि हम मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन की बात करें, टू ए लेसर एक्सटेंट वो नरेटिव रिकॉर्ड है, क्योंकि वो बहुत ही कम वे में हमें इंटरनल कंट्रोल के हेल्प करने में मदद कर रहा है. इंटरनल कंट्रोल की रिव्यू मेमोरेंडम की जगह आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन से ज्यादा बेटर होगी. रीजन, आर्टिकल्स के अंदर हमारे सारे रूल्स रेगुलेशंस प्रिस्क्राइब्ड होते हैं. इसके बाद फिर हम थर्ड बात करते हैं इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर की. इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर, इट शोज ए लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस
which are required to be answered by the staff, auditee case staff ke through, auditee, not by auditor, auditee. हमने questionnaire बनाया, questionnaire बनाकर auditee के staff members को दिया, and auditee के staff members, they will fill up this internal control questionnaires, yes or no के साथ, based upon which answers will be given कि yes or no, and then we take a decision कि क्या ये इंटरनल कंट्रोल की पॉलिसी जो मैनेजमेंट कह रही है कि हम एक्सरसाइज कर रहे हैं वो इफेक्टिवली इंप्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही. आफ्टर दैट फिर आता है एक चेकलिस्ट. चेकलिस्ट वो पॉइंट्स कवर करता है, द पॉइंट्स दैट आर रिक्वायर्ड टू बी चेक्ड बाय द स्टाफ ऑफ ऑडिटर. ऑडिटर के स्टाफ को चेक करना है चेकलिस्ट के अंदर. सो दीज आर द फोर वेज थ्रू विच द ऑडिटर कैन रिव्यू द इंटरनल कंट्रोल बाय गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द नरेटिव रिकॉर्ड्स, गेटिंग द इंफॉर्मेशन थ्रू द फ्लो चार्ट, थ्रू द चेकलिस्ट एंड थ्रू द इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनियर. इन एस्पेक्ट्स के बाद the topic that I want to discuss today in this chapter is the internal audit. In this topic of internal audit, the thing that we need to cover is whether internal audit is compulsory kya internal audit compulsory hai. Examination point of view se important question hai. इंटरनल ऑडिट कब कंपल्सरी होगा? आंसर यस नो, एक दोनों आंसर हैं इसके. यदि हम कारो 2004 की बात करें, एज पर कारो 2004 लिस्टेड कंपनी में इंटरनल ऑडिट होना जरूरी है. अनलिस्टेड कंपनी इन विच पेड अप कैपिटल एंड रिजर्व्स एक्सीड्स रुपीज 50 लैक्स. कारों के प्रोविजन हमने स्टडी किए थे इन द बिगनिंग, सो वही प्रोविजन अब यहां पर आ रहे हैं हमारे पास. इन केस कि यदि वो कंपनी एक लिस्टेड कंपनी है या फिर दैट कंपनी इज एन अनलिस्टेड कंपनी इन विच कैपिटल एंड रिजर्व एक्सीड्स रुपीज 50 लैक्स और एन अनलिस्टेड कंपनी इन विच एवरेज एनुअल टर्नओवर, द कंपनीज जिनकी एवरेज एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग 3 years की exceeds rupees 5 crore. So in this case, the three things are there
जहां पर हम ये कह सकते हैं कि इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी. नंबर वन, इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ एवरी लिस्टेड कंपनी. नंबर टू, इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी प्रोवाइडेड कैपिटल एंड रिजर्व का एग्रीगेट इट एक्सीड्स रुपीज 50 लाख. एंड थर्ड वन, इन द केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी जिनकी एवरेज एनुअल टर्नओवर लास्ट 3 इयर्स की, प्रीसीडिंग 3 इयर्स की, इट एक्सीड्स रुपीज 5 करोड़. सो इन दिस केस इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी, अदरवाइज इंटरनल ऑडिट इज नॉट कंपल्सरी. सो प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन भी इस क्वेश्चन पर पुट हो सकती है. ठीक, ये क्वेश्चन बन सकता है एक पूरा कि क्या इंटरनल ऑडिट सभी केसेस पर एप्लीकेबल है या नहीं है. इंटरनल ऑडिट इज एप्लीकेबल ओनली इन केस ऑफ लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड कंपनी जिनकी कैपिटल एंड रिजर्व एक्सीड करता है 50 लाख से, या अनलिस्टेड कंपनी जिनकी एवरेज एनुअल टर्नओवर प्रीसीडिंग 3 इयर्स की एक्सीड करती है रुपीज 5 करोड़ से. दैट इज द अनलिस्टेड कंपनी. एक चीज और, यहां पर हमने कारों का प्रोविजन लिया है. कारों के इस प्रोविजन को कंफ्यूज मत करना विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारों. कारों की एप्लीकेबिलिटी में भी ऐसे ही पॉइंट है, कैपिटल एंड रिजर्व डज नॉट एक्सीड 50 लाख, आउटस्टैंडिंग लोन डज नॉट एक्सीड 25 लाख, टर्न ओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. आई हैव रिसीव्ड ए क्वेश्चन फ्रॉम द रेवाड़ी. रेवाड़ी सेंटर से एक क्वेश्चन आया है, दैट इज कि एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग लोन्स. आउटस्टैंडिंग लोन का कोई रेफरेंस मैंने इसमें नहीं लिया, बट फिर भी उन्होंने क्वेश्चन रेज किया है कि एक्सप्लेन आउटस्टैंडिंग लोन. ये सिंपली ये शो कर रहा है आप कंफ्यूज कर रहे हो कारो के इंटरनल ऑडिट के प्रोविजन को विद द एप्लीकेबिलिटी ऑफ कारो. कारो की यदि हम एप्लीकेबिलिटी देखें, जिस 2 मिनट के लिए हम डाइवर्ट हो रहे हैं अपने टॉपिक से, ठीक, बिकॉज ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट था और इसमें आप एक कंफ्यूजन ले सकते हैं. सो दैट इज द रीजन कि हम 2 मिनट के लिए कारो के ऊपर जा रहे हैं. कारों की एप्लीकेबिलिटी कि कारों के प्रोविजन कहां कहां पर एप्लीकेबल है. कारों इज एप्लीकेबल ओवर ऑल कंपनीज इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी एक्सेप्ट बैंकिंग, इंश्योरेंस सेक्शन 25 कंपनी एंड एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जिसकी पेरेंट कैपिटल प्लस रिजर्व डज नॉट एक्सीड 50 लाख. जिसकी कैपिटल एंड रिजर्व एक्सीड नहीं करते 50 लाख से. नंबर टू, आउटस्टैंडिंग लोन फ्रॉम द बैंक्स डज नॉट एक्सीड 25 लाख. एंड थर्ड वन, टर्नओवर डज नॉट एक्सीड 5 करोड़. सो इन दिस केस ये एक प्रोविजन प्राइवेट कंपनी के ऊपर कि यदि उनकी टर्नओवर 5 करोड़ से एक्सीड नहीं कर रही, यदि उनके आउटस्टैंडिंग लोन 25 लाख से एक्सीड नहीं कर रहे, यदि उनकी कैपिटल एंड रिजर्व 50 लाख से एक्सीड नहीं कर रहा, तो कारो का प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होगा. द वर्ड हेयर इज ए प्राइवेट कंपनी एंड द थिंग दैट वी आर यूजिंग हेयर इज एन अनलिस्टेड कंपनी. नाउ अनलिस्टेड कंपनी से हमारा मीनिंग बेसिकली है क्या? दोज कंपनीज
those securities are not listed on stock exchange. Jin companies ki securities stock exchange par listed nahi hai. Private company ki yadi hum baat karein, private company ke andar listing ka koi question hi nahi aa sakta. Reason being, private company cannot make a public issue. Aur jab private company ek public issue hi nahi nikal sakti, to unki securities ki listing ka to koi question hi nahi banta. That is in reference of a public company. Ki kya wo listed hai ya wo unlisted hai. So in this case, the first thing that you should keep in your mind, ki these two things are separate. Ye tino provision, paid up capital and reserve, does not exceed 50 lakhs, outstanding loan from any bank or financial institution does not exceed 25 lakh, turnover does not exceed rupees 5 crore. Ye tino provisions private company ki sense mein hai, and that is based upon the applicability of the CARO. And ye jo provision hum study kar rahe hain, ye CARO ka ek provision hai, aur CARO ke provisions mein sirf humne ye dekhna hai ki internal audit kahan par applicable hai aur kahan applicable nahi hai. CARO jinke upar CARO applicable hai, uske baad hame ye cheez dekhni hai ki kya company ek listed hai. Listed company hai to internal audit system hona chahiye. Okay, another thing arise ho sakti hai ki listed nahi hai wo company unlisted hai. Unlisted company hai to kya uski capital and reserve 50 lakh se exceed karti hai, ya uski turnover ka average, turnover ka average last 3 years ka 5 crore rupees se exceed karta hai, only then yahan par hame is cheez ko lena. Southex Center says that it is paid up capital plus return. It is not return. It is paid up capital and reserve. Don't confuse this. It is capital plus return. It is paid up capital and reserves. Here it is also paid up capital and reserve, not the return. R stands here for the reserve, not the return. So, after this, we are coming to our main topic, that is internal audit. So pehla hamara question tha ki kya internal audit compulsory hai. We gave the reply ki jin companies ke upar CARO 2004 applicable hota hai and that company is unlisted, और अनलिस्टेड कंपनी जिसका कैपिटल एंड रिजर्व 50 लाख से एक्सीड करता है, या अनलिस्टेड कंपनी जिसकी एवरेज एनुअल टर्नओवर पिछले 3 सालों की 5 करोड़ रुपए से एक्सीड करती है, उन केसेस में इंटरनल ऑडिट इज कंपल्सरी. और जहां तक बात आती है रिजर्व एंड सरप्लस की, रिजर्व एंड सरप्लस के मीनिंग में कोई भी रिजर्व जो कंपनी ने अपनी बैलेंस शीट के अंदर रिजर्व एंड सरप्लस की हेडिंग में शो कर रखा है, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ द रिजर्व फॉर दिस पर्पस. सेकंड, ये चीज तो हमने देख लिया कि इंटरनल ऑडिट कंपल्सरी है. ओके, नाउ how and why statutory auditor reviews the internal audit function how and why How and why the statutory auditor
review the internal audit function. कि स्टैचुरी ऑडिटर इसे क्या जरूरत है इंटरनल ऑडिट फंक्शन को इवेल्युएट करने की और यदि जरूरत है तो क्यों करना कैसे करेगा. नंबर वन व्हाई द स्टैचुरी ऑडिटर नीड्स टू इवेल्युएट नीड्स टू रिव्यू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन बिकॉज इवेल्युएशन ऑफ internal audit function helps the statutory auditor in determination of management's concern about accounting and finance. Management का concern towards accounting पता चलेगा. यदि internal audit system organization में effectively चल रहा है यह हमें suggest करता है कि management का concern है towards the accounting. And second aspect, it helps the auditor in determining nature, timing and extent of substantive procedures. जो nature, timing, extent है उसे determine करने में help करता है. रीजन क्या है इन चीजों का बिकॉज मच ऑफ द वर्क्स ऑफ बोथ ऑडिटर आर ऑफ सिमिलर नेचर. दोनों ऑडिटर्स का वर्क टू ए ग्रेट एक्सटेंट सिमिलर नेचर का होता है एक्सेप्ट with a difference. और वो difference क्या है internal auditor works under the directions of the management but statutory auditor also known as external auditor he is doing his work in accordance with the laws and the regulations. So that is the answer of this why कि because internal audit function की evaluation से auditor को management concern का पता चलता है about the accounting helps in determination of nature, timing, extent of substantive procedures because much of the work of the both auditors they are of similar nature. How? Second aspect aata hai ki how the internal audit function can be evaluated based upon evaluation of following competency of internal audit staff status of internal audit department in organization hierarchy independence of internal auditor follow up of the recommendations given by the internal auditor इन केस हम फर्स्ट एस्पेक्ट की बात करें कॉम्पिटेंस ऑफ इंटरनल ऑडिट स्टाफ
यदि इंटरनल ऑडिट स्टाफ कंपिटेंट है एज एन स्टैचुरी ऑडिटर व्हाट वी कैन से कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन टू ए ग्रेट एक्सटेंट इफेक्टिव होगा होगा या नहीं दैट इज ए सेपरेट थिंग लेकिन एक आइडिया मिल रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन ने इंटरनल ऑडिट के लिए चार्टर्ड अकाउंटेंट को हायर किया है या एक सेमी क्वालिफाइड पर्सन को हायर किया है या एक अनक्वालिफाइड पर्सन को रखा है इन केस इंटरनल ऑडिट की वर्किंग मैनेजमेंट ने चार्टर्ड अकाउंटेंट को दी है तो एज ए स्टैचुरी ऑडिटर हमारी ओपिनियन जाएगी कि इंटरनल ऑडिट माइट बी एन इफेक्टिव वन सेमी क्वालिफाइड नॉट सो इफेक्टिव अनक्वालिफाइड माइट बी नॉट एट ऑल इफेक्टिव मे बी कि कुछ चीजें रिवर्स में जा सकती हैं चार्टर्ड अकाउंटेंट को रखने का मतलब यह नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने वर्क को पूरी तरह से फुलफिल कर रहा है यदि चार्टर्ड अकाउंटेंट एक प्रोफेशनल तो है बट अपने वर्क को सिंसियरिटी के साथ नहीं कर रहा इन दैट केस व्हाट विल बी द रिजल्ट इंटरनल ऑडिट फंक्शन इफेक्टिव नहीं होगा दूसरी चीज स्टेटस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन इन द ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की ऑर्गेनाइजेशन हायरार्की में इंटरनल ऑडिट फंक्शन का क्या स्टेटस है टॉप लेवल के अंदर आता है मिडल लेवल के अंदर आता है या लोअर लेवल के अंदर आता है टॉप लेवल के अंदर यह कवर हुआ दैट मीन्स इंटरनल ऑडिट को काफी इंपॉर्टेंस दी गई है ऑर्गेनाइजेशन में लेकिन यदि इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट को लोअर लेवल मैनेजमेंट में रखा गया है वी कैन से इंटरनल ऑडिट को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती ऑर्गेनाइजेशन के अंदर फिर बात आती है थर्ड इंडिपेंडेंस ऑफ इंटरनल ऑडिटर की कि ऑडिटर्स की इंडिपेंडेंस इंटरनल ऑडिट को एंश्योर करने के लिए राइट्स गिवन टू इंटरनल ऑडिटर needs to be checked कि इंटरनल ऑडिटर को क्या राइट्स दिए गए हैं इंटरनल ऑडिटर की एरिया ऑफ वर्क क्या है इंटरनल ऑडिटर की रीच हाउ ही कैन रीच द मैनेजमेंट कि हाउ ही कैन रीच द मैनेजमेंट मैनेजमेंट से उसकी रीच क्या है दैट मीन्स यदि कोई मेजर फ्रॉड मेजर एरर उसे फाइंड आउट हुआ है क्या वो मैनेजमेंट तक पहुंचा भी पाएगा इस चीज को या नहीं पहुंचा पाएगा या उसको लोअर लेवल की मैनेजमेंट ही या मिडिल लेवल की मैनेजमेंट ही वहीं पर सप्रेस करवा लेगी सो इन दैट केस इंटरनल ऑडिटर की इंडिपेंडेंस हमें हेल्प करती है इन डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल ऑडिट फंक्शन यदि इंटरनल ऑडिटर इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है वी विल से दैट वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन इज एन इफेक्टिव वन एंड द लास्ट वन फॉलो अप ऑफ द रिकमेंडेशंस गिवन बाय द इंटरनल ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर ने रिकमेंडेशंस दी है about the weaknesses in internal control and other things how these weaknesses has been managed has been taken by the management yadi in weaknesses ko management ne sincerely suna hai aur unke upar action bhi liya we can say internal audit effective lekin management internal audit ki recommendations par koi action hi nahi leti then we can say इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज नॉट एन इफेक्टिव फंक्शन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट इज अबाउट दिस एस्पेक्ट हाउ एंड व्हाई द स्टैचुरी ऑडिटर रिव्यू द इंटरनल ऑडिट फंक्शन वी हैव रिसीव्ड टू क्वेश्चंस वन इज फ्रॉम द गुड़गांव सेंटर एंड वन इज फ्रॉम द कानपुर सेंटर
कानपुर सेंटर का क्वेश्चन है, कैन एनी पर्सन एक्ट एज द इंटरनल ऑडिटर? यस, एनी पर्सन कैन एक्ट एज एन इंटरनल ऑडिटर। इंटरनल ऑडिटर के लिए कोई क्वालिफिकेशंस प्रिस्क्राइब नहीं है। नंबर टू, गुड़गांव का क्वेश्चन, किन सिचुएशंस में इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है? जो हमने फर्स्ट पार्ट लिया था कि किन सिचुएशंस में इंटरनल ऑडिट कंपलसरी नहीं है, सिर्फ उन तीन केसेस को छोड़कर, नंबर वन इन केस ऑफ ए लिस्टेड कंपनी, नंबर टू अनलिस्टेड कंपनी जिनकी कैपिटल एंड रिजर्व 50 लाख को क्रॉस करती है, नंबर थ्री अनलिस्टेड कंपनी जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ को एक्सीड करती है, उनको छोड़कर किसी भी और ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनल ऑडिट की कोई कंपल्शन नहीं है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, सी पार्ट, दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिट, इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टैचुरी ऑडिटर। व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टैचुरी ऑडिटर? इन दोनों के बीच में क्या लिमिटेशंस, क्या इन दोनों के बीच में क्या रिलेशनशिप्स हैं? इंटरनल ऑडिटर, इसे अपॉइंट किया है मैनेजमेंट ने, इसे अपॉइंट किया है कंपनी के मेंबर्स ने, बट मोर और लेस इन दोनों के एरियाज ऑफ वर्किंग टू ए ग्रेट एक्सटेंट कॉमन है। एंड हमारे पास एक बेसिक प्रिंसिपल था दैट इज यूजिंग द वर्क ऑफ एनदर पर्सन। वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स, देयर इज वन बेसिक प्रिंसिपल कि दैट द वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स कि स्टैचुरी ऑडिटर इज एंटाइटल्ड टू रिलाई ऑन वर्क परफॉर्म्ड बाय अदर्स। एज ए रिजल्ट यदि स्टैचुरी ऑडिटर एंटाइटल्ड है बाकियों के वर्क्स पर रिलाई करने के लिए, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को बनाने के लिए, देन ही कैन यूज द वर्क परफॉर्म्ड बाय द इंटरनल ऑडिटर, बट विद वन थिंग दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी of report and its contents हमेशा किसकी रहेगी? स्टैचुरी ऑडिटर की रहेगी। स्टैचुरी ऑडिटर कैन नॉट से दैट बिकॉज आई बिलीव ऑन द वर्क ऑफ इंटरनल ऑडिटर एंड हेंस इंटरनल ऑडिटर ने फ्रॉड को या एरर को फाइंड आउट नहीं किया था तो हेंस इट इज नॉट माई मिस्टेक कि मैंने उसे फाइंड आउट नहीं किया। ऑडिटर रिपोर्ट की और उसके कंटेंट्स की ओवरऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट रिमेन्स विद द स्टैचुरी ऑडिटर। एंड इन द सेम वे इंटरनल ऑडिटर कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम द वर्क ऑफ द स्टैचुरी ऑडिटर बिकॉज द एरियाज ऑफ द वर्क दे आर कॉमन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। दैट इज अबाउट द रिलेशनशिप बिटवीन द इंटरनल ऑडिट एंड द स्टैचुरी ऑडिट। One question is raised from the Bathinda, that is, explain SOX Act on Internal Control.
स्ट्रोक्स एक्ट इज नॉट ए पार्ट ऑफ आवर पीसीसी सिलेबस, इसे हम कवर अप नहीं कर रहे हैं यहां पर, दैट इज ए पार्ट ऑफ आवर सीए फाइनल सिलेबस सार्बेंस ऑक्सले एक्ट। सो इस चीज को हम यहां पर पीसीसी की क्लासेस में कवर नहीं कर रहे बिकॉज इट इज नॉट ए पार्ट ऑफ द पीसीसी सिलेबस। बेसिकली स्ट्रोक्स एक्ट दैट इज इन रिलेशन टू द इंटरनल ऑडिट एंड द इंटरनल कंट्रोल दैट यू विल कवर इन द सीए फाइनल। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द कानपुर, डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड द कॉन्करेंट ऑडिट, इंटरनल ऑडिट एंड द कॉन्करेंट ऑडिट के बीच में क्या डिफरेंस है। इंटरनल ऑडिट इज एन ऑडिट विच हैज बीन डन बाय ए स्पेशलाइज्ड पर्सन, इंटरनल ऑडिट इज डन बाय एन स्पेशलाइज्ड पर्सन इन विच द पर्सन वर्क्स अंडर द डायरेक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। जिसमें एक पर्सन मैनेजमेंट की डायरेक्शंस के अंडर काम करता है। बट यदि हम कॉन्करेंट ऑडिट की बात करें, कॉन्करेंट ऑडिट इज डन एंड दैट ऑडिट इज एन चेकिंग ऑन ए रेगुलर बेसिस of various transactions as and when they takes place. Concurrent का basically meaning है simultaneous, जैसे ही एक transaction हुई उसकी checking करा लेना by the person who is specialized in this area. Internal audit may not be an simultaneous audit. Internal audit वो एक ऑडिट है कि जिसमें मैनेजमेंट अपने किसी एम्प्लॉय के थ्रू चेकिंग को करवा रही है। कॉन्करेंट और इंटरनल दोनों के बीच में एक बेसिक्स डिफरेंस है उनके एस्पेक्ट पर। कॉन्करेंट बेसिकली टाइमिंग पर बेस्ड है, टाइमिंग बेस्ड ऑडिट। एंड इंटरनल ऑडिट की यदि हम बात करें, इंटरनल ऑडिट इज बेस्ड अपॉन द मैनेजमेंट इंटरनल कंट्रोल पॉलिसी। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंटरनल ऑडिट एंड द कॉन्करेंट ऑडिट। Concurrent audit is a timing based audit. Internal audit is a concept of internal policy of the management whereby transactions are checked. Juri nahi hai ki wo timely basis par hon. They may be at the year end itself. So in this part, the one thing that we have covered is about the internal audits. Jisme ek topic relationship बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड एक्सटर्नल ऑडिटर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक काउंट होता है, इन विच वी कैन मेंशन कि स्टैचुरी ऑडिटर वाइल कैरिंग आउट हिज वर्क ही मे रिलाई ऑन द वर्क परफॉर्म्ड बाय द अदर ऑडिटर्स। रिलेशनशिप की यदि हम इनकी बात करें, नट शेल में यदि हम इनके कंक्लूजन को लेना चाहें कि रिलेशनशिप क्या है, relationship between statutory auditor and internal auditor is an professional relationship whereby both persons can benefit each other because the areas of work is common to a great extent. दोनों के ठीक areas में commonness होने के कारण
हम इन दोनों को ये कह सकते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के वर्क को यूज कर सकते हैं, बट रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों की सेपरेट है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर सेपरेट. इंटरनल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स मैनेजमेंट, एक्सटर्नल ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टुवर्ड्स द कंपनी. एक्सटर्नल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को एड्रेस करेगा टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, लेकिन इंटरनल ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को देगा टू द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी जिन्होंने इसे अपॉइंट किया था. वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द गोरखपुर सेंटर, दैट इज appraisal of internal audit function. Gorakhpur Center ne topic raise kiya hai, that is appraisal of internal audit function. Ki jab hum internal audit function ko evaluate kar rahe hain, how we can appraise it कि इंटरनल ऑडिट फंक्शन इफेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन में या नहीं है. वो एस्पेक्ट अभी हमने सारे लिए थे कि दैट इज कॉम्पिटेंसी क्या है स्टाफ की, स्टेटस क्या है इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट का, इंडिपेंडेंस क्या दी गई है, फॉलो अप ऑफ रिकमेंडेशंस क्या है, while appraising the internal audit function, the thing that we have to keep in our mind is ki what is the competency of internal audit staff. Internal audit staff competent hai, we can appraise it in a positive manner. Internal audit staff competent nahi hai, we can appraise it in a negative manner. So these are the things ki competency, status, independence, follow up of the recommendations and professional skills applied हुई है या नहीं हुई है. ठीक, ये सब चीजें हमें cover up करनी है to appraise the internal audit functions. So that is about the appraisal of internal audit function and all about the internal audit. Any other problem in relation to this chapter, internal control, internal check or internal audit? One is from the Gurgaon center, relationship likha nahi tha. Okay, likho relationship ko. Jaise wo aapke notes mein given hai. Page number, that is पेज नंबर 81 पर, नोट्स में पेज नंबर 81 पर रिलेशनशिप मेंशन है बिटवीन द स्टैच्यूटरी ऑडिटर एंड द इंटरनल ऑडिटर, जिसके अंदर अल्टीमेटली हमने कंक्लूजन लिखा हुआ है कि द रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल ऑडिटर एंड द स्टैच्यूटरी ऑडिटर इज ए प्रोफेशनल रिलेशनशिप वेयर बाय बोथ कैन बेनिफिट ईच अदर. दोनों पर्सन एक दूसरे के वर्क को यूज कर सकते हैं. रिवाड़ी सेंटर से एक क्वेश्चन आया है, व्हाट इज द एस ए ऑफ डबल ए एस 6. जो ये चैप्टर है हमारा दैट इज बेस्ड अपॉन द डबल ए एस 6. रिस्क असेसमेंट्स एंड
internal control. The question raised by the Rewari Center ki what is the SA? SA is 400. 400. Now we are closing this chapter right now and starts the new chapter, that is the audit in an CIS environment, that is EDP audit. The term EDP stands for Electronic Data Processing. And the word CIS stands for Computerized Information System. The term EDP stands for Electronic Data Processing and CIS stands for the Computerized Information System. Now, what is the basic thing that we need to cover in this chapter is कि जब हम एक मैनुअल सिस्टम की बात करते हैं और मैनुअल सिस्टम को कंपेयर करते हैं विद एन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस आता है एंड क्या हमारा ऑब्जेक्टिव एक एडीपी सिस्टम के अंदर चेंज हो जाएगा, व्हाट आर द कंट्रोल्स जो एडीपी सिस्टम में एक्सरसाइज्ड होते हैं एंड हाउ द ऑडिट नीड्स टू बी कैरिड आउट इन एन सीआईएस सिस्टम. तो सबसे पहले हम डिवाइड करते हैं इस चैप्टर को इसके डिफरेंट टॉपिक्स के बीच में. द फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू डिस्कस इज कि व्हाट इज कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, इसके बेनिफिट्स इसकी प्रॉब्लम्स कि कंप्यूटराइज्ड सिस्टम है क्या, इसके क्या हमें बेनिफिट्स मिलते हैं और क्या इसकी प्रॉब्लम्स हैं. सेकेंड एस्पेक्ट जो हम इस चैप्टर में लेंगे दैट इज Objective and scope of audit. In CIS environment. CIS environment के अंदर objective and scope audit का change होगा या same रहेगा. EDP controls. एडीपी एनवायरमेंट के अंदर या सीआईएस एनवायरमेंट के अंदर व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द कंट्रोल विच द मैनेजमेंट नीड्स टू एक्सरसाइज. एंड द लास्ट वन द टॉपिक वी टेक इज वेरियस अप्रोचेस ऑफ एडीपी ऑडिट. दीज आर द फोर फाइव टॉपिक्स जो हमें इस चैप्टर में कवर अप करने हैं. Number one, we talk about the computerized system. यदि हम दो सिस्टम को लेकर चलें,
एक सिस्टम है हमारा मैनुअल, एक सिस्टम है कंप्यूटराइज्ड। मैनुअल सिस्टम के अंदर वी हैव वाउचर फॉर एवरी ट्रांजेक्शन, हर एक ट्रांजेक्शन का वाउचर होता है हमारे पास। कंप्यूटराइज सिस्टम में वाउचर मे बी एब्सेंट ड्यू टू ऑनलाइन एंट्री या ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के कारण वाउचर मे बी एब्सेंट आफ्टर दैट। हम वाउचर को रिकॉर्ड करते हैं इनटू सब्सिडियरी बुक। दैट इज टर्म्ड एज द रिकॉर्डिंग। कंप्यूटराइजेशन के अंदर ये वाउचर यदि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है तो ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग ले चुका है, यहां पर भी हम अदरवाइज रिकॉर्डिंग करते हैं। रिकॉर्डिंग के बाद मैनुअल सिस्टम में सब्सिडियरी बुक्स के थ्रू आगे लेजर पोस्टिंग होती है। यहां पर टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, रिकॉर्डिंग होने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग हो जाती है अपने आप। लेकिन मैनुअल सिस्टम में लेजर पोस्टिंग के बाद हमें जाना पड़ता है समराइजेशन पर, सो एज टू फॉर्म ए ट्रायल बैलेंस, एंड आफ्टर दैट फिर फाइनलाइजेशन, सो एज टू प्रिपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। कंप्यूटराइज सिस्टम में एक बार ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गई तो ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग ले लेती है टिल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन एन मैनुअल सिस्टम एंड एन कंप्यूटराइज्ड सिस्टम। सो मैनुअल सिस्टम की एडवांटेजेस क्या आई, इट्स ऑडिट ट्रेल। मैनुअल सिस्टम के अंदर हमारे पास ऑडिट ट्रेल है, कंप्यूटराइजेशन के अंदर ये एक प्रॉब्लम आई, एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल। इसका मीनिंग क्या है ट्रेल का? ट्रेल मींस किसी चीज का पीछा करना। यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कोई एंट्री आई हुई है, उस एंट्री को मैनुअल सिस्टम के अंदर हम उसका पीछा कर सकते हैं, वाउचर तक जा सकते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से हमने उसको चेक किया, ट्रायल में थी, ट्रायल के बाद देखा लेजर में थी, लेजर के बाद देखा सब्सिडियरी बुक्स में थी और उसका वाउचर भी था। दैट इज एन ऑडिट ट्रेल। ट्रेलिंग एंड ट्रांजेक्शन फ्रॉम इट्स कंक्लूजन टू इट्स बिगनिंग इज टर्म्ड एज द ऑडिट ट्रेल। लेकिन कंप्यूटराइज सिस्टम विच इज बेस्ड अपॉन ब्लैक बॉक्स सिस्टम, हमारा कंप्यूटराइज सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है कि क्या हो रहा है कंप्यूटर के अंदर, दैट इज इन डार्क। मीन्स हमें कुछ नहीं पता कि ट्रांजेक्शन ऑटोमेटिक किस तरह से प्रोसेस होकर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक जा चुकी है। दैट इज एन ब्लैक बॉक्स कंसेप्ट। बट
in manual system, we know how the transactions move from vouchers to the subsidiary books, subsidiary books to the ledger posting, from the ledger to the trial balance, from trial to the financial statements. But computerized system mein, vouchers may be there, may not be there. Voucher nahi hai to online transactions hui hai, aur wo online transaction end tak apna result apne aap le chuki hai. So ek audit trail completely absent hoti hai. So that is one of the feature of an computerized system, absence of audit trail. Another thing, yadi hum designing ki baat kare, manual system ki designing it is simple, computerized system ki designing complex hai. To design a computerized system, it is a tedious job which takes a lot of time. But ye iski problem hai, to computerized system ki apni advantages bhi hai, aur advantages mein kya aata hai iski? Speed. एक ट्रांजैक्शन एंट्री होते ही एंड तक अपना कंक्लूजन अपने आप ले लेती है. इसकी एक्यूरेसी, जो रिजल्ट कंप्यूटर सिस्टम ने दिया है, यदि उस कंप्यूटर सिस्टम के पैरामीटर्स एक्यूरेट थे तो जो रिजल्ट गिवन है बाय द कंप्यूटराइज्ड सिस्टम, दैट इज द एक्यूरेट सिस्टम. So, these are the few benefits and the few disadvantages. Disadvantage mein aata hai, absence of audit trail, complex designing. Lekin advantages ke andar aata hai, speed, accuracy, avoid data duplication. डाटा की डुप्लीकेशन को टू सम एक्सटेंट अवॉइड करने की कोशिश करता है. सो इन दिस केस हमें कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के अंदर किस तरह से ऑडिट को करना है कि ये जो इसकी लिमिटेशंस हैं, ये लिमिटेशंस हमारे ऑडिट के इफेक्ट पर ना आए, हमारे ऑडिट की जो हम वर्किंग कर रहे हैं उसको अफेक्ट ना करें. So that is about this thing, कि जिसमें हमने first aspect को लिया, कि what is the distinction between manual based accounting and computerized based accounting. Manual based accounting से हम computerized based accounting पर जा रहे हैं. Manual based accounting के अपने कुछ benefits हैं, like audit trail available होता है. Designing is simple. So in that case, computerized system पर हम गए, तो कंप्यूटराइज सिस्टम के अंदर वाउचर्स एब्सेंट है ड्यू टू ऑनलाइन ट्रांजैक्शन, और उसके बाद ऑटोमेटिक प्रोसेसिंग है बेस्ड अपॉन एब्सेंस ऑफ ऑडिट ट्रेल्स. सो आफ्टर दिस, दैट इज अबाउट आवर फर्स्ट टॉपिक, कि व्हाट इज कंप्यूटराइज सिस्टम, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस एंड व्हाट आर इट्स डिसएडवांटेजेस. इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक, now the next topic, objectives and scope of audit. Objectives and scope of audit kya hai in an CIS environment. CIS environment mein objective remains same. Ek CIS environment cannot change our objective. Our objective remains what? To express an opinion on true and fair view. Objectives in an
CIS environment does not change as our objective was in case of an manual system. Jo manual system mein hamara objective tha, objective kya tha? Ki hame books ko check karna hai aur uske base par opinion deni hai ki kya financial statement true and fair view reflect kar rahi hai ya nahi kar rahi. So objective does not change. What about scope? Scope of our duty, to some extent, it extends. Because, ab tak hum, ek manual system ke andar kaam kar rahe the, lekin, ek CIS system ke andar, to some extent, hamara scope extend ho jata hai, so as to find out the accuracy of CIS system. जो CIS सिस्टम ऑर्गेनाइजेशन में है उसकी एक्यूरेसी को फाइंड आउट करने के लिए. सो दैट इज अबाउट दिस एस्पेक्ट कि ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ द ऑडिट इन एन CIS एनवायरमेंट वेदर इट चेंजेस और नॉट. इन जनरल इट डज नॉट चेंज, ऑब्जेक्टिव रिमेन सेम, दैट इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन on true and fair view of financial statements. But as far as यदि हम बात करें स्कोप की, because हम एक मैनुअल सिस्टम से शिफ्ट कर रहे हैं टू एन कंप्यूटराइज सिस्टम, जिसमें हमें कंप्यूटराइज सिस्टम की वर्किंग को भी चेक करना पड़ेगा, and hence the scope extends to some level. इसके बाद फिर हमारा इस चैप्टर का सबसे मेन टॉपिक आता है, एंड दैट टॉपिक इज द वेरियस टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स दैट कैन बी एक्सरसाइज्ड बाय द मैनेजमेंट इन एन ईडीपी एनवायरमेंट. हम डिफरेंट टाइप्स के कंट्रोल्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज जनरल कंट्रोल्स जो मैनेजमेंट एक्सरसाइज करेगी, एंड नंबर टू दैट इज एप्लीकेशन कंट्रोल जो हमारी CIS की एक्टिविटी है. हमारी CIS की मेन एक्टिविटी है इनपुट को कन्वर्ट करना इनटू द आउटपुट, एंड टू कन्वर्ट इनपुट इनटू द आउटपुट इज नोन एज द प्रोसेसिंग. सो हम अपने ईडीपी कंट्रोल्स को मेजर दो पार्ट में क्लासिफाइड करते हैं. द फर्स्ट वन इज जनरल कंट्रोल. And the second one is the application control. In the general control, हमारे controls, they are basically upon different aspects. One is organization structure पर control करना. सिस्टम जो हम कंप्यूटराइजेशन का ला रहे हैं उसकी डेवलपमेंट पर कंट्रोल करना, सिस्टम के सॉफ्टवेयर्स पर कंट्रोल करना, डाटा एंट्री जो कंप्यूटर में डाटा एंटर हो रहा है उसके ऊपर कंट्रोल करना, हार्डवेयर्स के ऊपर कंट्रोल करना, as far as the another thing is that application control. In the application control hamare controls basically three parts mein aate hain. Control over input, control over processing, and control over the output. These are the eight types of controls that we can exercise as a part of management. यदि हम management के point of view से बात करें, management is required to exercise these controls in an organization which works in an CIS environment.
The first is about the general CIS control. The second one, it is about the application controls. In controls ke theoretical points, you may cover from the notes, because theoretical topic hai purely ki computer par based hai. Organization controls ke andar simple cheeze aayengi ki kya policies hai control functions ki, ki what are the incompatible functions jo management ko exercise karne hai, aur jo ek separate functions hai jo computer se related hai, iske liye management organization structure ke andar ek person ko appoint karti hai, that is termed as DBA, database administrator, ki jo computerized system ka sara data hai usko administration karne ke liye sare ke sare responsibilities, duties, functions should be assigned to the database administrator. Uske baad system development ke function hai. What meant by system development? कि जो computerized system हमें organization में install करना है, how to exercise the control over its development? Development like नया system design कर रहे हैं, उसमें कितने computer system चाहिएंगे, क्या उसमें operating system की requirement होगी, क्या उसमें software की requirement होगी, what are the requirements for the documentation, किस person से हमें इस system को purchase करना चाहिए? These are the things that we need to cover in this system development part. The another is about the system softwares. Ki jo software hum purchase kar rahe hain, they should be approved software, authorized software, or software should be such that nobody can make a change without prior authorizations. Isi tarah se hardware ka control hai, and programming control aati hai, control over the various operations. Uske baad next thing hai, input, processing and output. Input, processing, output. Input per control, only the entries which has been approved should be recorded in the computer system. Not ki koi bhi entry kisi bhi person ne uthai aur computer system ke andar dal di. Our controls should be on every entry that becomes an input in the computer systems. Jo input hum dal rahe hai, that should be in such a form that computer can read that information. Sometimes hamari entry is form mein hoti hai ki hamara computer use read out nahi kar paata. Like, yadi hum example le different type ki inputs ke, few scanners are there. Theek, jo कुछ स्कैनर है जो इमेजेस को रीड आउट कर लेते हैं, कुछ स्कैनर्स आर देयर जो इमेजेस को रीड आउट कर रहे हैं, कुछ स्कैनर टेक्स्ट को रीड आउट कर रहे हैं, कुछ स्कैनर बार कोड को रीड आउट कर रहे हैं. हमारी इनपुट उस फॉर्म में होनी चाहिए सो दैट कंप्यूटर कैन रीड दैट डाटा. लाइक यदि हम एक सेल्स ऑफिस की बात करें, जहां पर ये सेल्स हो रही है, रिटेल आउटलेट की बात करें, डाटा को एंटर कराने के लिए हम बार कोड रीडर को यूज करते हैं. बार कोड रीडर व्हाट इट इज डूइंग, एक इनपुट को अंदर डाल रहा है कंप्यूटर में बाय आइडेंटिफाइंग द बार कोड्स. सो इसी तरह से टेक्स्ट डाटा हो सकता है एंड अदर डाटा कुछ भी हो सकता है. देयर इज एन सिंपल टॉपिक्स and I think आप इन topics को अपने आप cover up कर लोगे, input पर, processing पर, output पर. इसके अंदर कोई problem आती है आपको किसी तरह की language के अंदर, you can raise that one, input पर, processing पर and the output पर. इसके बाद इस chapter का another topic जो हमारा बचता है, approaches of ADP audit. इस topic को we will take after 10 minutes, we are taking a break for 10 minutes. After that, we will finish this aspect and cover the topics जो हमारा इस chapter का remaining है, and then we will discuss about our test schedule. क्योंकि इस chapter की coverage के साथ ही हमारा एक major part audit का complete हो जाएगा.
after these three topics, the first topic that we have covered is computerized system, iske advantages or iske disadvantages. The another thing that we have covered is the objective and scope of audit in an CIS environment, and various types of EDP controls. Now the next two topics, hamara ek approaches aata hai EDP auditing ka, aur ek topic that is CATS, computer assisted audit technique. First we take this aspect, approaches of EDP audit. The various approaches of EDP audit can be classified in two categories. The first one category is audit around the computer, and the second one is audit through the computer. ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, इसके अंदर हम किस एस्पेक्ट को लेकर चलते हैं? दैट इज इन दिस केस ओनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. जो बुक्स हैं एंड जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, दे आर प्रिपेयर्ड on computer, and we have printed copies of books and financial statements. और इसके बाद हम उन books of accounts की and financial statement की audit को करते हैं as usual, in general. जिस तरह से जनरल ऑडिट होती है, उसी सेम वे में वो ऑडिट कैरी आउट की जाती है इन केस ऑफ ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर. बट जब हम मेन दूसरे एस्पेक्ट पर आते हैं, वो एस्पेक्ट कि जब बुक्स को बनाने के लिए कंप्यूटर यूज हो सकते हैं, तो बुक्स की ऑडिट करने के लिए भी तो कंप्यूटर को यूज किया जा सकता है. दैट इज ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर. यहां पर हमें यह कंसर्न नहीं होता मेनली कि जो बुक्स हैं वो किस तरह से बनाई गई हैं, लेकिन यहां पर ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, वी यूज द कंप्यूटर टू कैरी आउट द ऑडिट. हम कंप्यूटर को ही यूज करते हैं ऑडिट को कैरी आउट करने के लिए, एंड फॉर दिस पर्पस वी यूज द ऑडिट सॉफ्टवेयर्स. हम ऑडिट सॉफ्टवेयर्स को यूज करते हैं. ऑडिट सॉफ्टवेयर्स, दे आर द डिजाइंड प्रोग्राम्स हैं जो ऑडिट के पर्पस के लिए प्रिपेयर्ड किए गए हैं. जिस तरह से अकाउंटिंग के प्रोग्राम्स हैं कि एक पर्सन क्या क्या उसे बुक्स बनवानी है, किस तरह से वो बुक्स में रिकॉर्डिंग चाहता है, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट उसे चाहिए, उसके बेसिस पर अपना अकाउंटिंग का सॉफ्टवेयर डेवलपर से डेवलप करवा लेता है. तो सेम वे में ऑडिटर कैन गेट द ऑडिट प्रोग्राम्स डेवलप्ड थ्रू द सॉफ्टवेयर बेस्ड अपॉन हिज रिक्वायरमेंट. अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग सॉफ्टवेयर डेवलपर से ऑडिट के सॉफ्टवेयर को डेवलप कराता है. अनदर वे, दैट इज टेस्ट डाटा. बट मेंट बाय दिस टर्म टेस्ट डाटा कि ऑडिटर अपना एक डाटा सिलेक्ट करता है, वो डाटा
क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में फीड किया जाता है. डाटा इज फीडेड इनटू द क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम. क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम से उस डाटा के रिजल्ट निकाले जाते हैं और वो रिजल्ट कंपेयर किए जाते हैं विद द एक्चुअल रिजल्ट. सो टू थिंग्स आर देयर, डाटा ऑडिटर का है, ऑडिटर के डाटा को अपने उस डाटा के रिजल्ट्स पता है कि इस डाटा के बेस पर ये रिजल्ट आना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसने अपने डाटा को क्लाइंट के सॉफ्टवेयर में डाला, क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में डाला और उसका रिजल्ट निकाला. उस रिजल्ट को उसने कंपेयर किया विद द एक्चुअल रिजल्ट. यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पैरामीटर्स ठीक हैं. बट यदि ये रिजल्ट आपस में मैच नहीं कर रहे, इन दैट केस वी कैन से कि सॉफ्टवेयर के पैरामीटर्स में कहीं ना कहीं कोई चेंजेस है जो इन जनरल नहीं है. जो जनरल हमने सॉफ्टवेयर के लिए पैरामीटर सोचे थे उसके बेस पर हमने उस डाटा का एक्चुअल रिजल्ट तैयार किया हुआ है, बट कंप्यूटर सिस्टम में जो डाटा हमने डाला उसका रिजल्ट कुछ और आया. यदि हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू लेकर चलें, मैंने अपनी 50 ट्रांसैक्शंस का एक डाटा प्रिपेयर किया और उस डाटा को एज पर द ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी उसका रिजल्ट निकाला कि इन 50 ट्रांसैक्शंस के बेस पर ये प्रॉफिट आता है और ये बैलेंस शीट बनती है. फिर मैंने उन 50 ट्रांसैक्शंस के डाटा को फीड किया इनटू द क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम. और क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम ने उन 50 ट्रांसैक्शंस का क्या रिजल्ट दिया, इस रिजल्ट को हमने कंपेयर किया एक्चुअल रिजल्ट के साथ. यदि ये दोनों रिजल्ट आपस में मैच कर रहे हैं, दैट मीन्स जो क्लाइंट का कंप्यूटर सिस्टम का अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है उसके पैरामीटर्स ठीक है. लेकिन इन केस यदि ये रिजल्ट आपस में वैरी कर रहे हैं, इफ दिस रिजल्ट्स वैरी, इन दैट केस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर जो पॉलिसीज हैं दे आर नॉट एज पर द पॉलिसीज जो हमें बताई गई थी. सो इन ऑन दैट बेसिस वी कैन यूज द टेस्ट डाटा. अनदर थिंग, ऑडिट सॉफ्टवेयर, इस सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं, क्लाइंट के कंप्यूटर सिस्टम में दो प्रोसेसिंग होती हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की. एक प्रोसेसिंग बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ऑफ क्लाइंट, जो क्लाइंट का अपना अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एंड सेकंड बेस्ड अपॉन ऑडिटर सॉफ्टवेयर. नाउ यदि ये रिजल्ट्स आपस में मैच कर रहे हैं, बेस्ड अपॉन दिस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड बेस्ड अपॉन दिस सॉफ्टवेयर, व्हाट वी विल से कि क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम ठीक है. लेकिन यदि ये रिजल्ट्स मैच नहीं कर रहे, देन वी हैव टू फाइंड आउट कि व्हाट आर द रीजंस, कि अकाउंटिंग पैरामीटर्स क्या डाले गए हैं क्लाइंट्स के कंप्यूटर सिस्टम के अंदर. सो दीज आर द टू अप्रोचेस, ये मेन टेक्निक्स हम यूज करते हैं इन केस ऑफ ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर. सो अल्टीमेटली हमने दो अप्रोचेस को फाइंड आउट किया है कंप्यूटर की. एक वन अप्रोच इज ऑडिटिंग अराउंड द कंप्यूटर
And second approach is auditing through the computer. In case of auditing around, हम कंप्यूटर के बाहर घूम रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर जाकर हम कोई काम नहीं करवा रहे. So auditing around the computer, it is based upon black box concept. कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग से हमें कोई मतलब नहीं है, बट इन केस वी आर कैरिंग आउट द ऑडिटिंग थ्रू द कंप्यूटर, वी यूज द कंप्यूटर फॉर वेरियस कैलकुलेशंस. हम कंप्यूटर को इटसेल्फ यूज करते हैं टू कैरी आउट ए नंबर ऑफ कैलकुलेशंस. In this case, CATs, अभी हम इस टॉपिक को लेंगे, CATs को, that is computer assisted auditing techniques. They are not used, but when we are carrying out the auditing through the computers, CATs are used to carry out the audit. यहां पर computers को हम used करते हैं as an mechanical device only. As an mechanical device हमने used किया है. किस पर्पस के लिए? टू कन्वर्ट द रिकॉर्ड्स ऑन एन कंप्यूटर प्रिंट आउट. कंप्यूटर्स आर यूज्ड ओनली एज एन मैकेनिकल डिवाइस सो एज टू टेक द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द कंप्यूटर आउटपुट्स. कंप्यूटर की आउटपुट की फॉर्म में हम रिकॉर्ड्स को ले सके. देन बट इन दिस केस computers, they are itself the target of the auditing. In auditing through the computers, computer itself audit ka target hai, hume iske softwares ko check out karna hai. Yahan par auditing around the computer ke andar we needs to check ki to obtain the audit assurance, to obtain audit assurance, what we are doing, vouchers are compared with printouts. Jo voucher hamare paas hai, humne unhe compared kiya hai with the printouts of computers. But here is to obtain the assurance, accounting software and techniques need to be evaluated. So accounting software hai, us cheez ko hi, uske software ko hi hame check out karna padta hai. So as to find out कि क्या ये accounting software जो organization ने follow किया है वो ठीक भी है या नहीं है. So these are the two things जो हमें इसमें cover up करनी है in the approaches of the auditing. So ये दो main approach है auditing की. The one approach is auditing around the computer and second approach is auditing through the computer. EDP audit के mostly question that is based upon these two topics. Ki what are the various approaches of EDP auditing? What is the difference between audit around the computer and the audit through the computer? That is about the approaches of EDP auditing. After that, is chapter ke hamare do chote chote topic rehte hain, unhe finish karne ke baad
we will discuss the test schedule and take your problems. And these two topics are, number one, audit trails, and number two is the CATs. These two things we are required to discuss. Number one, audit trail. Audit trail ka meaning kya hai? Audit trail, trailing a transaction to its source, और एक transaction को जो हमें मिली है financial statements के अंदर उसके source तक उसे लेकर जाना. Like if we talk about balance sheet, balance sheet में एक figure है investment. इसकी ट्रेलिंग करना, ये इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट में कहां से आई होगी? ट्रायल बैलेंस से आई होगी. ट्रायल बैलेंस में कहां से आई होगी? इन्वेस्टमेंट अकाउंट से बैलेंस आया होगा. इन्वेस्टमेंट अकाउंट में एंट्री कहां से आई होगी? कि इन्वेस्टमेंट अकाउंट किसका पार्ट है? जनरल लेजर का पार्ट है. इसमें एंट्री कहां से आई है? कैश बुक से आई है या किसी और सब्सिडियरी बुक से आई है? ओके, कैश बुक में एंट्री करने का वाउचर क्या था? वो चीजें. सो एक ट्रांजैक्शन को उसके एंड से लेकर बिगनिंग तक पहुंचाना और बिगनिंग से लेकर एंड तक जाना, दैट इज व्हाट ए ट्रेलिंग. यदि हम मैनुअल सिस्टम की बात करें, मैनुअल सिस्टम के अंदर ऑडिट ट्रेल हमेशा प्रेजेंट होती है इन केस ऑफ एन मैनुअल सिस्टम. बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कंप्यूटराइज सिस्टम, इन केस ऑफ कंप्यूटराइज सिस्टम ये ऑडिट ट्रेल एब्सेंट हो जाती है. इन कंप्यूटर सिस्टम ऑडिट ट्रेल लेस किन किन रीजन के कारण ये ऑडिट ट्रेल लॉस्ट होती है. नंबर वन, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के कारण ऑडिट ट्रेल एब्सेंट. नंबर टू, ऑटोमेटिक अपडेशन ऑफ एंट्रीज टिल फाइनेंशियल स्टेटमेंट. फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक ये एंट्री अपने आप पहुंच जाती है. बट द अनदर रीजंस कैन बी फॉर द लॉस्ट ऑफ ऑडिट ट्रेल. वन रीजन वी हैव टेकन इज द ऑनलाइन ट्रांजेक्शन. सेकेंड वन, ऑटोमेटिक अपडेशन ऑफ द एंट्रीज. And third is few system entries. So these are the few things कि जिसके कारण audit trail absent होती है. The number one is online transactions. Number two, automatic updation of the entries till financial statement. फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तक एंट्रीज अपने आप पहुंच जाती हैं. एंड नंबर थ्री, सिस्टम गवर्न एंट्री. सिस्टम को हमने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती हैं जिसके बेसिस पर सिस्टम की कुछ एंट्रीज हैं जो अपने आप हो जाती हैं. लाइक ईयर के एंड पर कंप्यूटेशन ऑफ इंटरेस्ट, सपोज हमारी एक पॉलिसी है कि जिस डेटर से 2 मंथ्स तक इंटरेस्ट नहीं आया
सॉरी 2 मंथ तक पेमेंट नहीं आई, 2 मंथ एक्सपायर होने के बाद, 2 मंथ का क्रेडिट पीरियड था वो एक्सपायर हो गया, वी स्टार्ट लेविंग द इंटरेस्ट। इन केस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग हमें उस इंटरेस्ट की कैलकुलेशन करनी पड़ती है एंड वी हैव टू प्रिपेयर ए वाउचर टू रिकॉर्ड इट इनटू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बट इस केस में व्हाट विल हैपन कि यहां पर ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर पैरामीटर फीड है कि कोई भी डेटर जिसका बैलेंस 2 मंथ तक नहीं आया उसके ऊपर 2 मंथ के बाद इंटरेस्ट अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। दैट इज सिस्टम जनरेटेड एंट्रीज। दीज आर द फ्यू रीजंस जिनके कारण ऑडिट ट्रेल लॉस्ट होती है। सो आफ्टर दिस ऑडिट ट्रेल लॉस्ट द नेक्स्ट हमारा एस्पेक्ट आता है कैट का। दैट इज अबाउट दिस टॉपिक ऑडिट ट्रेल। नोट शॉर्ट नोट आ सकता है इस पर 4 मार्क्स तक का कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द ऑडिट ट्रेल। नेक्स्ट वन आवर टॉपिक दैट इज ऑफ कैट। ऑडिट ट्रेल के बाद हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज कैट। इन पॉइंट्स को नोट आउट, ठीक नोट डाउन कर लो, आफ्टर दैट आई विल रिपीट। द नेक्स्ट वन ऑडिट ट्रेल के बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक। Meaning, यदि हमें कैट के मीनिंग को एक्सप्लेन करना है, मीनिंग इसके वर्ड से ही निकल रहा है, दैट इज दोज टेक्निक्स इन विच कंप्यूटर्स आर यूज्ड as an assistant to carry out the audit. So, as far as CAT का meaning covered है, CAT assisted की जगह you can use the word added also. Computer aided audit techniques or computer assisted audit technique. These two words are frequently used interchangeably, added or assisted. Those techniques in which computers are used as an assistant to carry out the audit. Reasons of using CAT. CAT को use क्यों किया गया, व्हाट आर द वेरियस रीजंस। नंबर वन, एब्सेंस ऑफ इनपुट डॉक्यूमेंट्स। इनपुट डॉक्यूमेंट्स एब्सेंट हो गए। इनविजिबल ऑडिट ट्रेल, ऑडिट ट्रेल एब्सेंट हो गई। नंबर थ्री, lack of visibility of various transaction, lack of visibility of the processings, कि जो एक transactions हो रही है visibility है processing की वो एक lost हो चुकी है। Due to which reason? Black box approach, कि processing किस तरह से होती है we don't know. These are the few reasons जिसके कारण कैट टेक्निक्स डेवलप हुई हैं।
एडवांटेजेस क्या आई इनकी कैप्स की? ऑडिट इफेक्टिवनेस, यदि कंप्यूटर के ऊपर रिकॉर्ड्स बनाए गए हैं और कंप्यूटर के थ्रू ही चेक हो रहे हैं, इट रिजल्ट्स इनटू एन इफेक्टिव ऑडिट। क्योंकि जो चीज हम इग्नोर कर सकते हैं, हमारा माइंड एक चीज को स्किप कर सकता है, लेकिन कंप्यूटर के अंदर एक बार एक पैरामीटर डाल दिया तो कंप्यूटर उस चीज को अपने आप कभी स्किप नहीं करेगा। सेविंग इन टाइम्स, यदि हम सारी कैलकुलेशंस को अपने आप करें, एक एक ट्रांजेक्शंस को चेक करें, इट विल टेक टाइम, बट यदि कंप्यूटर में एक बार पैरामीटर्स फीड हो गए, उसके बाद कंप्यूटर अपने आप चेकिंग कर रहा है, इट रिजल्ट्स इनटू सेविंग ऑफ टाइम। एंड द थर्ड वन एस्पेक्ट दैट वी कैन टेक एज एन एडवांटेज इज दैट इज एग्जामिनेशन इन डिटेल, इनडेप्थ एग्जामिनेशन हो सकती है और टेस्ट चेकिंग के एरिया को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ऑडिट के लिए हमने एक टेक्निक पहले यूज की थी कि इन द ऑडिट वी यूज द कंसेप्ट ऑफ टेस्ट चेकिंग, और टेस्ट चेकिंग के अंदर हमें एग्जामिनेशन करना पड़ता है इन डिटेल। डिटेल एग्जामिनेशन के अंदर यदि हम उसे मैनुअली खुद करते हैं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम एंड स्टिल देयर आर सम चांसेस कि हम किसी चीज को स्किप कर जाएं, बट बाई यूजिंग द कैट्स वी कैन एग्जामिन द बुक्स इन डिटेल। सो कैट के ऊपर एग्जाम में 4 or 5 मार्क्स का नोट पुट हो सकता है। यू कैन क्लासीफाई योर आंसर कि वट इज द मीनिंग ऑफ द टर्म कैट, वट आर द रीजन्स ऑफ यूजिंग द कैट्स, एंड वट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग द कैट्स। That is all about this chapter, accounting, that is auditing in an EDP environment or CIS environment. अब इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी आपकी क्यूरीज है या पिछली कोई भी और क्यूरीज है, यू कैन टेक दीज क्यूरीज नाउ। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द लुधियाना सेंटर दैट इज एक्सप्लेन अगेन क्लाइंट कंप्यूटर सिस्टम बेस्ड अपॉन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर एंड ऑडिटर सॉफ्टवेयर। देर आर टू पर्संस, एक्स लिमिटेड ए कंपनी, मैसर्स ए बी एंड कंपनी एक सीए फर्म। एक्स लिमिटेड इसने अपना एक सॉफ्टवेयर डेवलप कराया, और वो सॉफ्टवेयर उसने डेवलप करवाया किसके लिए? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए। तो इन दिस केस इसमें उसने किन किन चीजों को कवर करवाया जो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट थी? ये सॉफ्टवेयर किसका हुआ? क्लाइंट का। नाउ अब इस केस में इस कंपनी की ऑडिट मैसर्स एबीसी एंड कंपनी के पास है। ये सीए फर्म अपना एक ऑडिट सॉफ्टवेयर डेवलप करा सकती है कि जो लाइक अलग अलग सिस्टम्स के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम्स के लिए, सर्विस सेक्टर के लिए अलग, बैंकिंग सेक्टर के लिए अलग, वो सॉफ्टवेयर ऑडिटर का अपना सॉफ्टवेयर है विच विल हेल्प हिम इन कैरिंग आउट द ऑडिट। नाउ व्हाट विल हैपन, क्लाइंट ने अपने सॉफ्टवेयर को यूज करके अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बनाए हैं और अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाई हैं। उसके बाद चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म ने अपने सॉफ्टवेयर को क्लाइंट के सिस्टम में डाला
और उससे रिजल्ट निकालें। एक रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट इस सॉफ्टवेयर से आया। दोनों रिजल्ट को आपस में कंपेयर किया गया एंड दोनों रिजल्ट को जब आपस में कंपेयर किया गया, रिजल्ट सेम है, तो व्हाट वी विल से कि जो क्लाइंट के अकाउंटिंग सिस्टम का सॉफ्टवेयर है दैट इज ओके, बट यदि कोई मिस्टेक है देन वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट आर द रीजंस व्हाई द मिस्टेक्स अराइजेस। अनदर वे इज दैट थिंग कि ऑडिट के सॉफ्टवेयर एक्सेप्शनल बेसिस पर भी होते हैं। क्लाइंट के सिस्टम में, एक्स लिमिटेड के कंप्यूटर सिस्टम में, एक इसका अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है, एक ऑडिट सॉफ्टवेयर है। ये ऑडिट सॉफ्टवेयर डाला है ऑडिटर फर्म ने। नाउ इन दिस केस नॉर्मल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो जाती है, कोई भी ट्रांजैक्शन नॉर्मल वे में इसमें रिकॉर्ड होती है। ट्रांजैक्शन यदि अपना नॉर्मल इफेक्ट लेती है इट्स ओके, लेकिन कोई भी ट्रांजैक्शन यदि अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर गलत वे ले रही है, इन दैट केस ऑडिटर सॉफ्टवेयर एक्सेप्शनल रिपोर्ट के अंदर उसे जनरेट कर देगा। ट्रांजैक्शन यदि अपने नॉर्मल रिकॉर्डिंग कर रही है, ऑडिट सॉफ्टवेयर उसे कुछ नहीं कहेगा, बट एज सुन एज ए ट्रांजैक्शन टेक्स एन एक्सेप्शनल रिकॉर्डिंग, कि नॉर्मली ऐसी ट्रांजैक्शन इस तरह से रिकॉर्ड होती नहीं है कि जिस तरह से यहां पर रिकॉर्ड हो रही है, इन दैट केस ऑडिट सॉफ्टवेयर उसकी एक एक्सेप्शनल रिपोर्ट जनरेट कर देगा और उस एक्सेप्शनल रिपोर्ट की असेस सिर्फ किसको है, एबी एंड कंपनी को है। सो दैट इज द केस कि ये क्लाइंट का अपना सॉफ्टवेयर है और ये ऑडिटर का अपना एक सॉफ्टवेयर है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वन क्वेश्चन फ्रॉम फरीदाबाद, दैट इज ब्लैक बॉक्स अप्रोच। ब्लैक बॉक्स इनपुट converts into output through the processing computer में। ये हम बात करें manual system की और हम computer system की बात करें। In case of manual system what will happen, हमें पता है input में output किस तरह से कन्वर्ट हुई है। लाइक पहले वाउचर बना, फिर रिकॉर्डिंग हुई, फिर पोस्टिंग हुई, फिर समराइजिंग हुई और वो आउटपुट बना। एक एक चीज हमारे पास है, वाउचर हमारे पास है, सब्सिडियरी बुक्स हमारे पास है, लेजर हमारे पास है, बट कंप्यूटर इनपुट कन्वर्ट्स इनटू आउटपुट हाउ, नॉट नो। दैट इज द कंसेप्ट ऑफ ब्लैक बॉक्स। द ब्लैक बॉक्स इज एन कंसेप्ट वेयर बाय इनपुट कन्वर्ट्स इनटू द आउटपुट बट वी डोंट नो हाउ द स्टेप, हाउ द वेरियस प्रोसेसेस हैज बीन टेकन। सो कंसेप्ट वेयर बाय प्रोसेसिंग इज नॉट नोन टू अस इज नोन एज एन ब्लैक बॉक्स अप्रोच। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द गोरखपुर, पेज नंबर 82, क्वेश्चन नंबर 3, पेज नंबर 82। क्वेश्चन नंबर 3 इज यू हैव बीन अपॉइंटेड ऑडिटर ऑफ ए लार्ज इंडस्ट्रियल कंपनी विच हैज एन एस्टैब्लिश्ड इंटरनल ऑडिट रिक्वायरमेंट। यू आर रिक्वायर्ड टू स्टेट द मेन एस्पेक्ट्स दैट वुड बी कंसीडर्ड टू फाइंड आउट द इफेक्टिवनेस ऑफ द डिपार्टमेंट। नवंबर 97 में आया था 7 मार्क्स का एंड मई 98 में 8 मार्क्स का। ब्रीफली एन्यूमरेट द स्टेप्स टू असेस द इंटरनल ऑडिट फंक्शन। ये टॉपिक हमने आज ही कवर किया है। इंटरनल ऑडिट फंक्शन को अप्रेज करने के लिए
What are the steps that we need to take? We can assess the organizational status of internal audit department, competency of internal audit staff, care taken by the internal audit staff, follow up of the recommendations taken by the management. Answer of this is page number 80 par ye topic given hai. On the page number 80, appraisal of internal audit function. 5 point isme given hai. First one point is organizational status. Second one, scope of function. Number 3, technical competency of the staff. Number 4, professional care that the internal audit staff has taken. And number 5, follow up of the recommendations given by the internal auditor. Ludhiana se query hai page number 84 par true false. Question number 1. AAS6 has a purpose to establish the standards to form the procedures to be followed to have an understanding of accounting and internal control system. Right? That is the right answer. True. AAS6, that is, gives us two aspects. Number 1, assessment of risk assessments, and second one is the internal control. Internal control in relations to the accounting functions. And hence, the answer of this question is, it is a true statement. The AAS6, that is on risk assessment and internal control, has one of the purpose to form the procedures to get an understanding of the accounting and the internal control system. The question number 2 is, the environment in which the internal control operates has no relationship with the effectiveness of specific control procedures. No, that is false. कि जिस environment में हम internal control system को operate कर रहे हैं, उसकी directly relationship है effectiveness of specific control procedures. एक environment, यदि management एक full determined way में काम कर रही है, तो उस case में specific control procedures, it will always be an effective one. यदि एक environment disciplined environment है, in a disciplined environment, the control procedures will always be an effective. But in an indisciplined environment, control system might not be an effective one. And hence the answer of this question is a false one. One question is from the Gurgama. Syllabus kab tak khatam hoga? यदि हम सिलेबस की बात करें, लेट्स हैव ए लुक. जस्ट हम 5 मिनट स्पेंड करते हैं अपने सिलेबस के ऊपर. हम अपने सिलेबस को ब्रॉडली क्लासिफाई कर सकते हैं इनटू 5 पार्ट्स. टोटल सिलेबस को हम अपने 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन पार्ट चैप्टर 1-4 जो हमारे कंसेप्ट्स हैं ऑडिट के. चैप्टर नंबर 5 और 6 दैट इज ऑन वाउचिंग एंड वेरिफिकेशन. दिस वन पार्ट we have already complete. हम इसे already complete कर चुके हैं. This one part vouching, it will take one more lecture. Verification, it will take only one lecture. After that, our part number 3, chapter number 7. That is company auditor. Already completed. Chapter number 8.
audit of share capital, debenture and dividend. It will take one more lecture. And last one, chapter number 9, that is on government audit and miscellaneous audit. I will take one lecture over it. So your syllabus will be completed in next 4 lectures. Next 4 lectures mein aapka syllabus complete ho jayega. Uske baad, I will take 2 more lectures. And these 2 lectures is, one is on AAS and one is on the accounting standard. जो इनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं, तो इसके बाद 2 और लेक्चर्स हम लेंगे, एक लेक्चर ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड पर एंड 1 लेक्चर इज ऑन द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स. सो इन द 6 लेक्चर्स वी विल फिनिश आवर सिलेबस. Yes, another query. The question is about the design and procedural aspects in an CIS environment. CIS environment ke andar ki what are the various designing and procedural aspects? कि जब हम एक CIS सिस्टम CIS एनवायरमेंट में काम करते हैं कि what are the steps what are the factors that requires to be considered while designing and framing out the various procedures. Like once a parameter is given to a system, जैसे ही हमने सिस्टम को एक पैरामीटर फीड किया, वैसी कोई भी ट्रांजैक्शन आते ही सिस्टम हर बार एक ही रिजल्ट देगा, कंसिस्टेंसी इन परफॉर्मेंस. दैट इज वन एस्पेक्ट. इन द डिजाइनिंग एंड प्रोसीजरल एस्पेक्ट, सीआईएस एनवायरमेंट के अंदर सेम टाइप की ट्रांजैक्शन always give a consistent performance. हमारा mind एक transaction के बाद दूसरी transaction को गलत way में compute कर सकता है. हम यदि 2 plus 4 6 कर रहे हैं अभी calculator पर, might be that कि next time 2 plus 4 4 की जगह हमारी finger 3 पर press हो जाए तो result आएगा 5. We can commit mistake, but computer system will never commit mistake if the parameters are right. उनके parameters ठीक है, तो computer system हमेशा consistent performance देगा हमें. Second one, जितने भी procedures हैं, all the procedures they are governed by the controlled programs. जो हमारे controlled programs हैं, उनके basis पर चलेंगे सारे के सारे. ये नहीं कि हम किसी भी program को उठाया कभी भी change कर दिया. Manual system के अंदर ये चीजें हो सकती हैं, but computer system में नहीं. Every program, it is a controlled program, cannot be changed without proper authorization. One is single transaction update of various areas. यदि एक transaction
एक से ज्यादा प्लेसेस पर अपना इफेक्ट लेती है, तो मैनुअल सिस्टम में हमें हर एक प्लेस पर उसे लेकर जाना पड़ेगा एक, बट कंप्यूटर के अंदर एक ट्रांसेक्शन जैसे ही कंप्यूटर में फीड हुई, इट टेक्स द अपडेशन एट ईच एंड एवरी प्लेस जो उसका रिलेटेड एरियाज है। कुछ ट्रांसेक्शंस कंप्यूटर सिस्टम में अपने आप जनरेट होती हैं बेस्ड अपॉन द पैरामीटर्स, दे आर टर्न एज द सिस्टम जनरेटेड ट्रांसेक्शंस। सिस्टम जनरेटेड ट्रांसेक्शंस जैसे अभी हमने एक एग्जांपल भी लिया था कि डेटर्स को हम 2 मंथ्स का क्रेडिट पीरियड देते हैं, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ क्रेडिट पीरियड इंटरेस्ट विल बी लेविड। मैनुअल सिस्टम में ये चीजें हमें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी कि किन पर्संस के अकाउंट ओवरड्यू हो चुके हैं आफ्टर 2 मंथ्स और उसके ऊपर कितना डेज का ओवरड्यू है। वी नीड टू कैलकुलेट द इंटरेस्ट आवर सेल्फ, बट कंप्यूटर के अंदर एक बार पैरामीटर हमने फीड आउट किया, देन सिस्टम विल जनरेट द इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली। सो दीज आर द फ्यू एस्पेक्ट्स जो हमारे डिजाइनिंग के टाइम पर, प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स के टाइम पर हमें कंसीडर करने पड़ते हैं। बिसाइड्स दिस, जितना भी डाटा है दैट इज स्टोर्ड ऑन द कंप्यूटर, कंप्यूटर स्टोरेज चलती है सारी की सारी। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द पीतमपुरा सेंटर, दैट इज ऑडिट अराउंड एंड ऑडिट थ्रू कंप्यूटर, विच वन इज गुड एंड फॉर विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर एंड ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, ऑडिटर को किस ऑर्गेनाइजेशन में किस टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। यदि ऑर्गेनाइजेशन लार्ज साइज ऑर्गेनाइजेशन है, इन दैट केस डेफिनेटली वी शुड यूज द ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर। स्मॉल साइज के अंदर जनरली वी कैन यूज ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर, एज पर इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एक बार हमने सॉफ्टवेयर डेवलप करा लिया तो हमें सॉफ्टवेयर की कंपिटेंसी कंपेटिबिलिटी देखनी है कि हमारा सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे ऑडिट के पर्पस को सर्व भी करेगा या नहीं करेगा। वंस इट इज एसर्टेन कि ऑर्गेनाइजेशन का नेचर एंड साइज ऐसा है कि हमारा सॉफ्टवेयर सर्वर पर्पस सर्व कर सकता है, वी विल डू द ऑडिट थ्रू द कंप्यूटर, अदरवाइज वी विल कैरी आउट द ऑडिट अराउंड द कंप्यूटर। One question is from the Kanpur, that is internal control in EDP environment. Internal control EDP environment के अंदर हमने discuss किया था पहले कि management दो type के control exercise कर सकती है in the EDP environment. One control is that is general control, second one is applications. Application के control को हमने divide किया था 3 में, input, प्रोसेसिंग, आउटपुट। एंड जनरल कंट्रोल्स दे आर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर पर कंट्रोल, डाटा एंट्री पर कंट्रोल, सिस्टम डेवलपमेंट पर कंट्रोल, सॉफ्टवेयर पर कंट्रोल। इनके अंदर हमें किन किन एस्पेक्ट को मेन लेकर चलना है। डाटा एंट्री कोई भी है, ठीक, दैट डाटा एंट्री should be approved transactions. कोई चेंज करना है सॉफ्टवेयर में, that should be authorized software. Access should be only to the authorized persons with the use of passwords. So these are the few techniques जिसके थ्रू मैनेजमेंट कैन एक्सरसाइज द कंट्रोल इन एन ईडीपी एनवायरमेंट। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द फरीदाबाद सेंटर कि वेदर देयर इज ए डिफरेंस रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैच्यूटरी ऑडिटर इन पब्लिक लिमिटेड कंपनी एंड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। नो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, दोनों के ही ऑडिटर की अपॉइंटमेंट दैट इज गवर्न्ड बाय सेक्शन 224।
यदि गवर्नमेंट कंपनी की हम बात करें उनके ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में प्रोविजन चेंज है, दैट इज अंडर सेक्शन 619। लेकिन प्राइवेट और पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर ऑडिटर की अपॉइंटमेंट में कोई चेंज प्रोविजंस नहीं है। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द भटिंडा सेंटर, दैट इज असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क। हमने प्रीवियस चैप्टर्स में स्टडी किया था कि हमारे रिस्क बेसिकली तीन टाइप के होते हैं। द वन रिस्क इज इनहेरेंट रिस्क, सेकेंड वन कंट्रोल रिस्क, एंड थर्ड वन इज द डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क वो रिस्क है जो हमारी ऑडिट में आता है इन केस कि कंपनी में इंटरनल कंट्रोल एग्जिस्ट नहीं करता। सेकेंड टाइप का रिस्क, कंट्रोल्स आर नॉट एडिक्वेट। थर्ड डिटेक्शन रिस्क, टेस्ट चेकिंग। यदि अब हम बात करें हाउ टू असेस द कंट्रोल रिस्क, कंट्रोल रिस्क को हम कैसे असेस कर सकते हैं। ये जो इंटरनल कंट्रोल में सारी इवैल्यूएशन हमने स्टडी की, इट हेल्प्स अस इन डिटरमिनेशन ऑफ कंट्रोल रिस्क कि इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है। इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है, रिजल्ट हमारा कंट्रोल रिस्क कम हो जाएगा। और इंटरनल कंट्रोल इफेक्टिव है या नहीं है उसे फाइंड आउट करने के लिए व्हाट वी कैन डू, वी आर रिक्वायर्ड टू कलेक्ट द इंफॉर्मेशन। और इंफॉर्मेशन हम कैसे कलेक्ट कर सकते हैं, बाय द यूज ऑफ नरेटिव रिकॉर्ड्स, फ्लो चार्ट, इंटरनल कंट्रोल क्वेश्चनेयर्स, चेकलिस्ट एटसेट्रा। सो टू असेस द इंटरनल कंट्रोल वी आर रिक्वायर्ड टू असेस द वेरियस पॉलिसीज फॉलोड इन द ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल ऑडिट सिस्टम इफेक्टिव है या नहीं है, इंटरनल चेक की पॉलिसी क्या है, ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसी बनी हुई है क्या, वो पॉलिसी इंप्लीमेंट भी हो रही है या नहीं हो रही, इंप्लीमेंट हो रही है तो इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है या नहीं है। सो बाय दीज थिंग्स वी कैन असेस द कंट्रोल रिस्क। वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द लुधियाना एंड रेवाड़ी, सेम क्वेश्चन, टेस्ट शेड्यूल। Based upon our completion of syllabus, we can frame out a test schedule every week. एक week में एक test हम schedule कर रहे हैं। In the first week, we will take the test for chapter number 1 and chapter number 2. टेस्ट टू सेकेंड वीक में, ये टेस्ट मार्च फर्स्ट वीक, चैप्टर नंबर 3 मार्च सेकेंड वीक, टेस्ट नंबर 3 दैट इज ऑफ चैप्टर नंबर 4 ए एज वेल एज 4 बी, दैट इज इंटरनल कंट्रोल and the EDP audit, that is in March, third week, test number 4, that is on chapter number 7, fourth week, test number 5, that is chapter number 5 and 6, April first week, test number 6,
That is not a test, rather an paper of 3 R that is in April 3rd week. So based upon these things, we have prepared the schedules for your tests. Chapter number 1 and 2 ka test hum March ke first week mein rakhenge. As far as day is concerned, jo day hoga inka tests ka, wo day week mein koi bhi day ho sakta hai, might be on Sunday, class ke baad bhi ho sakta hai, class se theek, ya fir Saturday ko ho sakta hai, किसी भी डे को हो सकता है, दैट इज नॉट श्योर कि वो संडे को होगा. वो उसका शेड्यूल आपको कोऑर्डिनेटर की तरफ से मिल जाएगा. टेस्ट का शेड्यूल ये है वीक की अकॉर्डिंग. वीक में किस पर्टिकुलर डे को टेस्ट होगा, इट माइट बी ऑन वेनसडे थर्सडे एज पर द शेड्यूल ऑफ अदर क्लासेस. अदर क्लासेस के शेड्यूल्स में इसे कंपेटिबल रखकर टेस्ट के डे को फिक्सअप कर दिया जाएगा. ये सारे टेस्ट जितने भी हैं, टेस्ट 1 to 5, these tests will be of 30 marks each for 1 hour. 1, 2, 5. And paper 3 hour ka ye 100 marks ka hoga. And in the meanwhile, yadi kisi particular city mein ya center ke students ke ग्रेजुएशन के या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्जाम्स चल रहे हैं, तो उस पर्टिकुलर सेंटर्स के लिए टेस्ट का शेड्यूल रिवाइज्ड होकर इट मे बी इन द मंथ ऑफ मई. वन क्वेश्चन इज फ्रॉम द रेवाड़ी सेंटर, हु विल प्रिपेयर द टेस्ट एंड हु विल चेक. I will prepare the test and I will check. Otherwise, one thing can be there. I can prepare the test and you can check it yourself. Now, one question is from the Faridabad, that is, are the internal auditors of XYZ and MD of that company is CA and there is a difference of opinion regarding allocation, whether should we go by MD decision. यदि कंपनी के इंटरनल ऑडिटर्स और कंपनी के एमडी में आपस में किसी पॉइंट पर ओपिनियन डिफर करती है, इन दैट केस हमें एमडी के व्यू पॉइंट को देखना चाहिए या इंटरनल ऑडिटर के. वी आर रिक्वायर्ड टू असेस बोथ द पॉइंट. हमें इंटरनल ऑडिटर के व्यू पॉइंट को भी देखना चाहिए एज वेल एज एमडी के व्यू पॉइंट को भी. एंड देन बेस्ड अपॉन द अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड द स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट वी आर रिक्वायर्ड टू टेक आवर ओन डिसीजन. रेवाड़ी सेंटर से क्वेश्चन, विल यू स्टार्ट न्यू टॉपिक टूडे. न्यू टॉपिक और कोई नहीं है आज के लिए. आज के लिए टॉपिक यही था हमारा, दैट इज ऑफ इंटरनल कंट्रोल. One question from Ludhiana is, if there is change in accounting policy, it does not have a material effect, then will its disclosure be necessary as per AS1? Yes, disclosure should always be there. Whenever there is any change in the accounting policy, uska disclosure hame hamesha karna chahiye. Okay, that is all for today. Bye-bye.